अपने YouTube चैनल पे आज आप धमाल करने जा रहा हूँ जो 6th लेसन 10th क्लास से लिया गया है जो MP वर्ड में आने की संभावना पूरी पूरी होगी 2021 में, वो भी 93% आने की संभावना। मैंने पहला क्वेश्चन तो मैंने इस YouTube चैनल पे डाल दिया गया है जो आने की संभावना पूरी होगी, और दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला है ये भी आने की संभावना पूरी होगी जो सिर्फ 6th लेसन में, 10th क्लास की 6th लेसन में सिर्फ 3 क्वेश्चन में ऐसे करूंगा जो आपके लिए पक्के होंगे, जो तीनों में से 2 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी होगी। तो मैं यहां पर लेसन नंबर 6.2 यानी एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 4 में करने जा रहा हूं, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया है और उसको यूट्यूब चैनल पर डाल के क्वेश्चन करना है। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है आकृति में DE समरूप है ऐसी, मतलब DE समरूप है ऐसी, मतलब DE समरूप है ऐसी, क्योंकि त्रिभुज ABC, क्या लिया बेटा, त्रिभुज ABC ये रेखा, ये डंडा इसके बराबर है, यानी ये रेखा इसके बराबर है, यानी DE रेखा किसके बराबर है, AC के बराबर, बस ये देखना। तो हमें सिर्फ यहाँ से देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रिंगल लेंगे ABC पूरा ट्रिंगल, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, बस क्या लेना है, त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC में, मतलब हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में, मतलब पूरा बात करें, हमें ये भूल जाना है बस। अब यहाँ पर हम करेंगे ऐसा, कैसे यहाँ लिखेंगे DE समरूप है AC, कहाँ से लिखना बेटा, क्वेश्चन से, बस कुछ नहीं करना है, पहले लेना ABC और यहाँ से ये उतारना है, फिर उसके बाद इसको ये लेना है, क्या लेना है, BE समरूप बटे EC, क्या लेना बेटा, BE समरूप है ये, तो हमें ये ऐसा कैसा यहाँ उतारना है, BE बटे हैं EC, और फिर क्या करना है कि कैसे BE बटे EC, यानी कि ये डंडा पूरा है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, क्या है ये डंडा है, इसको 2 भागों में तोड़ा है, वो है ई पर, तो हमने एक डंडा ये बनाया, एक डंडा ये बनाया, तो बेटा यहाँ पर BE बटे EC, फिर हमने लिया बेटा BD और ये, तो ये तो टूटा हुआ है BD बटे DA, समीकरण हो गई 1। अब आपका आंसर पूरा सोल्व, बस कुछ नहीं करना है, आंखें फाड़ के यहाँ देखना है, बस जैसे इसको लिखा है अब कुछ भी नहीं करना है, बस आप इस त्रिभुज को भूल जाना है, अब ये यहाँ से जोड़ देना, जिस अब ये लेना है हमें त्रिभुज, तो त्रिभुज यहाँ पर दिया है पुनः त्रिभुज क्या ABE में, कहा कि क्योंकि यहाँ पर सी था तो सी को भूल जाना है, अब त्रिभुज ABE लेना, तो ये लिया, अब कुछ नहीं, यहाँ से ऐसे की ऐसे उतारा DF समरूप है AE, कैसे DF समरूप है AE, मतलब ये रेखा इसके समानुपाती है, तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको उतारना है, यानी अब इसको यहाँ से क्वेश्चन से उतारना है, यानी BF बटे AE, आप यहाँ से ऐसा कैसा हमको उतार देना है, यानी BD बटे DA और समीकरण हो गए 2, ये आपका आंसर, यानी कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रात दिन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठोको सब्सक्राइबर, करो सब्सक्राइबर, लाइक करो, क्योंकि आपके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, वो शॉर्टकट ट्रिक में ला रहा हूँ, और IMP क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी गारंटी से। तो यहाँ पर करना है समीकरण, जब ये BD बराबर DA बराबर ये है, इस गधे के बराबर ये गधा है, तो ये भी गधे इसके बराबर ये है,
दोनों गधे हैं, दोनों एक ही नाम से BD बटे BA। जब ये गधा इसके बराबर है, ये गधे इसके बराबर है, तो दोनों गधे बराबर है। तो यहाँ पर ये ऐसा कैसा, फिर भी समझने नहीं आया तो आप ऐसे कैसे इसको लिख देना है कि हमें यहाँ पर BA बटे FE बराबर BE बटे EC यहां पर करना है, इति सिद्ध। और यह आपका नंबर सॉल्व और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ ना। थैंक यू।